नहीं, इस प्रोग्राम का रिस्पांस हमेशा से ही बहुत ही एनकरेजिंग रहा है। मैं खुद इस प्रोग्राम से पिछले 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हम जिस तरह का प्रोग्रेस इसमें देख रहे हैं, मतलब एक सोचने वाली बात यह है, जब मैं पहली पहले साल यहाँ पर आया था तब हमें 150 एप्लीकेशन मिले थे, आज 650 एप्लीकेशन यहाँ पर आ रहे हैं, विच स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि ये प्रोग्राम किस तरह से लोग रिसीव कर रहे हैं। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो पिछले कोहोर्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका जो प्रोग्रेस लोगों ने देखा है, जिस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उनके लाइवलीहुड में, उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो काबिले तारीफ है। ये चिनार इंटरनेशनल का जो बिज़नेस इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट है, जो हमने 4 साल पहले सिलेक्ट किया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग द यंग माइंड्स ऑफ द कश्मीर, कि अगर किसी के पास बिज़नेस आइडिया है बट ही लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उसके पास वो एवेन्यूज़ नहीं है कि वो अपनी बिज़नेस आइडिया को एक यूनिट में कन्वर्ट कर सके, तो वो एक्चुअली हमारा गोल था कि ऐसे यूथ जो हम्बल बैकग्राउंड से आता है उनको हम हेल्प कर सके अपने बिज़नेस वेंचर्स को सेटअप करने में। सो जो हमारा पहला कोहर्ट था वो हमने 2020 में स्टार्ट किया था, उस वक्त हमारे पास 8 या 10 एप्लीकेशन आई थी, फॉलोड बाई कुछ 100 एप्लीकेशन नेक्स्ट ईयर, और लास्ट ईयर हमारे अराउंड 250 एप्लीकेशन आई थी। यहाँ पे आज हमने स्मॉल बिजनेस सपोर्ट के लिए जो अप्लाई किया था, आज उसकी प्रेजेंटेशन है, फाइनल राउंड है उसका, तो हमें बुलाया गया है। आज हमें यहाँ पे अपना जो बिजनेस आइडिया है वो हमें प्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो इस वजह से हम आज यहाँ पे आए हैं। आपने क्या आइडिया यहाँ पे? मैंने अभी नहीं किया, लेकिन मेरा जो राउंड है, नंबर है, वो 12 नंबर है, तो सबसे लास्ट में मेरा ही नंबर है। मैं मेरा जो बिजनेस आइडिया है वो CSC है।